अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आया हूँ शाहद भाई से मिलने। शाहद भाई यहाँ पे लाल पंप की जगह पे छोटा पंप इंस्टॉल कर रहे हैं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सुना तो यही है कि लाल पंप के बोर में सारा सामान लग जाता है, लेकिन रियलिटी जो ना वो देखने आए हैं कि लाल पंप के सामान में और उसके अलावा क्या खर्चा होता है। अभी शाहद भाई गए थे, अभी मतलब दोपहर का टाइम है, इन्होंने पंप वगैरह उतार लिया हुआ है, ये ना गए हुए थे सामान लेने दुकान पर। अभी ये पाइप वगैरह लेके आए हैं, ये देखें वो ग्रीन पाइप से नज़र आ रहे हैं ना आपको, वो पाइप पड़े हुए हैं और कुछ ये पाइप पड़े हैं। इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो पूछेंगे शायद भाई सारे। अच्छा, ये पाइप जो सा ऐसे लगेगा इसके अंदर, ऐसे लगेगा ठीक। ये पंप है, ये पंप। आप उतारा कौन सा आपने? वो वाला उतारा है जी, ठीक हो गया। अब ये वाला ये लगाएंगे वहीं उसी जगह पे। ये शाहद भाई है जी, अपने सेटअप के सबसे पुराने और जबरदस्त कारीगर हैं जी, अपने शहजाद पंप वालों के पास। ठीक हो गया जी। ये सर ऐसे इसको कट ऑफ करके अच्छा इसके साथ मिला देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया जी। ये वाला पैप लगेगा इसके कौन सा पाइप वाला? ये वाला पाइप लगेगा, स्टील पाइप लगेगा। ठीक हो गया जी, इधर लगेगा ये। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे लगेगा उसके ऊपर, ठीक हो गया। ये नहीं, जैसे ये लाल पंप के लिए ये वाला जंगला इस्तेमाल होता है, इसके लिए कौन सा जंगला इस्तेमाल होगा फिर? कोई जंगला नहीं, यही जंगला इस्तेमाल होगा। अच्छा, यही जंगला इसके ऊपर दोबारा सेट हो जाएगा? ये डब्बा बना कर ना, हाँ जी, सप्लाई उसी में रख देंगे। अच्छा, ये बारिश की सप्लाई है। अच्छा, ये 48 वोल्ट की सप्लाई है जो पंप है वो भी 48 वोल्ट का है। अच्छा, ये भी 48 वोल्ट। ये जी देखें, ये सप्लाई है, इस सप्लाई पे ना ये यानी कि पंप चलेगा ऐसे ही है जी। इसके ऊपर पानी नहीं गिरने देना, अगर खराब हो जाएगा फिर तो ये। और लाल पंप से बेहतर दर्द इसका है, लाल पंप से बेहतर दर्द इसका है जी। इस बोर में लगा हुआ था लाल पंप, उसी बोर में ये इंस्टॉल होगा। यानी कि कितनी गहराई है उसकी बोर की? तकरीबन 100 फुट की गहराई है। 70 फुट नीचे जाएगा, 70 फुट नीचे जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर टैंकी में कितना ऊपर जाएगा पानी? 40 फुट है ऊपर। अच्छा, हमने सुना कि मैंने सेटअप किया था वहाँ पे, मैंने सुना था ये 19,000 के रुपये का पंप है, उसमें बताया 19,000 रुपये का है। 20,700 तो 19,900 का है। अच्छा, एक 19,900 का है। हाँ, और स्टील वायर ठीक है, स्टील वरम है, स्टील वरम 19,900 का। कौन सा 20,700 वाला वो कौन सा है? वो है स्टील वरम, वो स्टील वरम है। ये 20,700 वाला है, ठीक है, ये स्टील वरम है। खर्चा कितना होता है टोटल इंस्टॉल करवाने में? आपकी कितनी इनके एक दिन की सर्विस है? एक दिन में करीबन 3-4 पंप लगते हैं। उसके अलावा सामान लेके वो खर्चा कितना हुआ है जी? 5,000 रुपए का सामान आ गया जो अभी इंस्टॉल होगा। इसके अलावा जब ये इसको मोटर वगैरह यानी कि कवर करना है थोड़ा बहुत, ये सर ये मुकम्मल जो खर्चा ना तकरीबन 40-45,000 रुपया खर्चा है टोटल खर्चा, जीरो से लेके एंड तक। नहीं, वो बोर तो हुआ पहले, बोर हुआ होगा लेकिन बोर से अलावा, बोर से अलावा इतना खर्चा है 40,000 रुपया टोटल खर्चा है। अच्छा, ठीक हो गया जी। 36,000 रुपया कंपनी का खर्चा है। हाँ जी, 4,000 मजदूरी है जी, ठीक है, 4,500 हो गया। हाँ जी, 5,000 ये कितने का? ये कितने का? ये वाला 6,400 का ये है। ये छोटी छोटी चीजें मिला के 40,000 रुपया खर्चा होता है जी। ले जी, ये छोटी छोटी चीजें मिला के ना फिर 40,000 रुपये का खर्चा होता है, जिसमें ये सारा सामान है, वो पाइप वगैरह लेके आए हैं, ये सप्लाई है, इसके अलावा मोटर के ऊपर लगने वाला सामान है, और इसके अलावा ये तार भी है, ये तार भी लगेगी। अच्छा, ये तार कितनी फुट है? ये तार ये 75 फुट तार है जी। ये भी लगेगी जी, इंस्टॉल होगी सारी इसमें, ठीक है। ये आपको वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये लाल पंप जो है ना इंस्टॉल करवा लें आपका इतना बचत हो जाएगी। अब वो बचत के बारे में पूछा नहीं आता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने एम्पीयर पे चलेगा ये सर जब चलेगा ना? हाँ जी, तो ये पौना एम्पीयर लेगा, पौना इनके एक एम्पीयर पूरा नहीं लेगा, जबकि लाल पंप कितना एम्पीयर लेता है? जब ये लैंड के साथ हम लगा देंगे ना इसको, हाँ जी, ये लैंड के साथ लग गया, हाँ जी, सेट कर देंगे, सेट कर देंगे, हाँ जी, ऊपर जब जाएगा ना पानी, हाँ जी, फिर एक एम्पीयर मुकम्मल कर लेगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। तो लाल पंप कितने एम्पीयर लेता है? लाल पंप 9-10 एम्पीयर भी ले सकता है। अच्छा, यानी कि वो काफी बचत है। 80 पंप 9 एम्पीयर लेता है सर। हाँ जी, जो पंप थोड़ा पुराना होता है, पुराना हो जाता है, हाँ जी, 2-3 साल, हाँ, वो 10 एम्पीयर भी कर जाता है। अच्छा, ठीक हो गया जी, 10-11 एम्पीयर ले जाता है, ठीक है जी।
लें जी। अच्छा उसके अलावा ये बचत कितनी होनी की होगी? वो कहते हैं कि 80% बचत है, यानी कि अगर बिल 10,000 रुपया आ रहा होगा तो बिल वो 1,000 रुपया रह जाएगा, यानी कि एक महीने का 8 से 9,000 रुपये का फायदा है। ठीक हो गया जी। लें जी गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में तो जो सर ना नहाते हैं दिन में 2 मरतबा भी नहा लेते हैं, या पानी के लिए पानी की जरूरत वैसे भी पड़ती रहती है, तो अगर आप पंप ये चला रहे होंगे पूरे महीने में आपका जब 10,000 का बिल आएगा ना, एवरेज बता रहा हूँ, अगर आप 10,000 रुपये जितना बिल चलाते हैं वो आपको 1,000 रुपये बिल आएगा, एक मतलब आपका 40,000 रुपया खर्चा होगा उसके अलावा, तो लेकिन उसके बाद में बचत आपकी ये होगी कि आपका 8-9,000 रुपया एक महीने का बचत हो जाएगी, वो आपका खर्चा जो है ना वो बच जाएगा। ठीक हो गया जी। अभी ये इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको इंस्टॉल वाला तरीका भी दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं जी। अच्छा ऐ लेप कितने इस्तेमाल होने हैं? ठीक हो गया जी। ये देखो अच्छा जी, ये अब करने लगे हैं जी, हम चेक वाल लगा रहे हैं जी। ये चेक वाल है? हाँ जी। ठीक हो गया। इसका ये कहाँ, इसका क्या फायदा जी? ये इसने पानी ढकना जी थले वाला। अच्छा उसका पानी वापस ना चले हैं, वापस ना जाए। ठीक हो गया। इसको वन साइड लाते हैं। वन साइड का ठीक है। ये अभी इसको अब चूल्हे पे क्या कह रहे थे जी? यार एक निप्पल लगाना चाहिए। अच्छा ये निप्पल है। अच्छा ये पंप का आगे लगेगा। ठीक है, तो ये गर्म होके लगेगा, इसके लिए क्या फिर कोई आग चाहिए, चूल्हा चाहिए वगैरह? ठीक हो गया। ये क्या, ये क्या हो रहा है? ये अभी पाइप गर्म कर रहे हैं जोर बनाने के लिए। अच्छा ये नरम हो गया अब जी? ठीक हो गया जी। वो पाइप के साथ सेट करेंगे इसको? जी जी। ठीक हो गया जी। ये देखो जरा, ये सॉल्यूशन लगा रहे हैं। सॉल्यूशन जी? इसके इसी क्या होता है? इसे पाइप की पकड़ हो जाएगी, साइड की पकड़ हो जाएगी। अच्छा ये अब इसके अंदर ऐसे सॉल्यूशन के साथ लगा के ये इंस्टॉल कर दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। बस ये हो गया काम खत्म अपना? ये काम खत्म हो गया। चलो जी ये बंद करते चलो बस। ये शहजाद हम भी, ये सप्लाई भी है। ठीक हो गया जी। ये सोलर पे चलेगा जी? सोलर पे चलेगा, जैसे कि वो छोटा एयर कूलर होता है उतना। जी जी जी। ये सप्लाई की बदौलत जी जी, ये सप्लाई ये भी वो जो सा कनेक्शन कर रहे हैं वो तार को कनेक्शन उन्होंने कर दिया। इसमें भी यही तार लगेगी जो सी लगी हुई? यही तार इसके साथ अटैच होनी है। इसके साथ अटैच होकर फिर वो कहाँ पे जाएगी? ऊपर जाएगी सोलर के पास? नहीं नहीं, सोलर के पास क्यों जाएगी, नीचे सब कुछ। अच्छा नीचे चालू है हर चीज, वहीं से अटैच हो जाएगी। ठीक होगा जी। ये बेशक आप बिजली पे भी चला सकते हैं। अच्छा नहीं है इसका, लेकिन इसकी ये कन्वर्टर का मकसद ये है कि आप इसी कम से कम एंपियर हो जाते हैं, फिर ये और कम हो जाती है बिजली लाइट। ठीक होगा जी। ठीक है, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई साहब, खाल साहब से, खाल साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। ठीक खाल साहब, ये आपने कहाँ से देखा, कहाँ से लिया आइडिया, या किसने मशवरा दिया आपको? मैंने इस पंप के बारे में एक दोस्त ने मुझे बताया था। अच्छा, फिर मैंने रक्षों पर भी इसकी पब्लिसिटी देखी। ठीक है, तो फिर मैं शहजाद कंपनी के दफ्तर गया और उनसे ये पंप खरीदा। ठीक है, मेरा जो पिछला पंप था डबल एम्पेलर लाल पंप, ठीक है, वो बिजली लेता था 1400-1500 वाट के दरमियान। अच्छा, अब ये जो पंप है ये 150 वाट लेगा। ठीक, तो इससे मेरे सोलर सिस्टम जो है छोटा है उसके ऊपर लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, आगे गर्मियां एसी भी चलने हैं। ठीक, अगर मैं ये ना लगवाता हाँ जी, तो फिर मुझे दोनों में से एक चीज चलानी पड़ती है, एसी या लाल पंप। ठीक है, अब ये है कि ये ऑटोमेटिक है, खुद ही चलेगा, बंद होगा, 150 वाट लोड लेगा। ठीक है, तो मुझे इसकी निगरानी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी, यानी कि आपको रिलैक्स हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप अभी से। हाँ ठीक हो गया जी। ये कैसे आपके पास मोबाइल में सिस्टम है, कोई कैसे पता लगता है आपको? मेरे पास मोबाइल में जो सोलर एनर्जी सिस्टम है उसकी ऐप डाउनलोड है। ठीक है, और जो मेरा इन्वर्टर है सोलर का, ठीक, वो उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो रियल टाइम में लोड होता है वाटेज की शक्ल में, हाँ जी, और एम्पेयर्स की शक्ल में, हाँ जी, वो लाइव दिखा रहा होता है। अच्छा, कितना कितने एम्पीयर या कितने यूनिट या कितने वाट चल रहे हैं, कंजम्पशन कितनी है, सिस्टम पे लोड कितना है। ठीक हो गया जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अभी आप जब इंस्टॉल होगा फिर आप हमारे यूनिट्स के
दिखा देंगे कि वो कैसे कितने बेल ले रहा है या क्या? हाँ, बाद में हम बता देंगे जब ये चलेगा वर्किंग आर्डर में आ जाए। ठीक है, तो फिर मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि कितना लोड है इसका सिस्टम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा वैसे ये 45 ना दसिया सी 45,000 खर्चा इतने हो जाना, जेड़ा दूसरा वा फुल सबमर्सिबल ओदा कहंदे सी 72,000 ला के देने आ, ते ओ भी इदां ही होएगा 72 कंपनी जमा हुंदा है, लेबर चार्ज दे समान पा ला के 90,000 सिंगल हो गया। अभी ये जो इंजेक्टर है, हाँ जी, पहले नीचे से सिंगल था, अच्छा लाल पंप लगा था, अच्छा अब ये पंप लगाएंगे डीसी, वो ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, ये पंप नीचे जाएगा। आपका नाम वहीद है ना? हाँ जी। और आपके शाहद भाई साथ आए हैं आपकी, ये आप इकट्ठे होते हैं सारे? जी हम एक साथ ही। एक दिन में अगर आपको ज्यादा टारगेट मिल जाए 5-6 पंप लगाने, फिर आप लगा देंगे? लगा देंगे सर, लग जाएंगे, लेकिन ये के टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 12 घंटे में इंशाल्लाह लग जाएंगे। नहीं जी, आज तो मैं इन्होंने बहुत तंग कर रहे हैं, इस बार तो जरा टाइम भी इन्हों ना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है मेरी वजह तो, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी सवाल वगैरह पूछे, आपके लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से ना इनको काफ़ी ये अंदर भी गए थे, तभी मैंने इनको रोक लिया था, काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया यहाँ पे, अदरवाइज ये एक दिन में आप कितने लगा? मैक्सिमम 3-4 लगे, 3-4 लगा देते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें मेहनत ही है, तकरीबन 3-4 पंप ये लगा देते। सर्विस आजकल तेज है ना इनकी, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी गर्मी शुरू है, सीजन शुरू है, गर्मियों का सीजन। हाँ जी, तो इस वजह से ये काम मजीद तेज होगा, मजीद तेज होगा, सर्दी में कम होता है क्योंकि सर्दी में इतना पानी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, ये अभी जी दीदी, ठीक है जी, ये हीटर के साथ ही इसको भी लगा रहे हैं। ये इसका ये क्या हो रहा है अभी फिलहाल? ये नालियां के साथ फीमेल कर रहे हैं इन्हें, अच्छा थल्ले छुटने वास्ते, ये हीटर के साथ हीटर दे के फिर लगाएंगे जोड़ के। हाँ जी, आ ताड़े सामने लग जाने हुने। ठीक है, ये इसको ऐसे फिट कर दिया इसके अंदर? हाँ जी, पक्के जोड़ लाते हैं जी, इस वास्ते साकटा पाई दी सर, पंप मजबूत रहे और थल्ले ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। अभी 10 मिनट के अंदर पानी निकाल के अभी आपको दिखाएंगे जी पानी कैसे निकलता है। ये देखें जी, ये इन्होंने सारे इन्होंने पाइप है ना ये इंस्टॉल कर दिया, वैसे भी आपस में कनेक्ट कर आप जोड़ देंगे इसको, इसके ऊपर ना उन्होंने धागे वगैरह पहले इंस्टॉल कर दिए थे। ये देखें जी, ये है पाइप, 1, 2, 3, 4, 5 पाइप है ये। इसकी लंबाई कितनी होती पाइप की भला? ये 13 फुट लंबाई है, 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया जी, ये 13 52। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, ये इसको थोड़ा सा अभी इन्होंने ना बैंड किया यहाँ से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अगली वीडियो बनाने वाले हैं जी सोलर के बारे में, जो छोटे छोटे सोलर नहीं हम घर में लगा के छोटी छोटी चीजों से अपना खर्चा बचा सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ यही दिखा रहे हैं जी आपको। ये भी सोल्यूशन लगाने लगे, पता नहीं सोल्यूशन है जी ये। अच्छा, ये उधर लगेगा उसके अंदर है, कनेक्ट होगा। ठीक, ये जो सा लाल बाबा आपको पहले थोड़ा सा वीडियो में दाग दिखाया ना, ये उसमें अब ये सोल्यूशन लगाई है, ये उसके अंदर सेट होके लगेगा जी अभी। ये देखें जी ऐसे, अच्छा जी, ठीक हो गया।
अभी ये सीजन लगा देंगे, पक्का काम कर रहे हैं जी सारा ये, ताकि किसी किस्म की शिकायत की गुंजाइश ना हो, काम ऐसे ही होता है दे जी, शिकायत का कोई मौका नहीं है असल में। कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? 30 साल हो गए जी। 30 साल हो गए हैं जी, माशाल्लाह जी। आप में से जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं किसी की उम्र 30 साल भी नहीं होगी। सही हो गया जी। अभी ये इसके ऊपर टेबल बैठ दी है जी, बिस्मिल्लाह करके जा रहे हैं थले। अच्छा जी, लें जी ये बिस्मिल्लाह करके जा रहे हैं नीचे। ओ ये किधर लगेगा? ठीक, ये पाइप रेंच के साथ इसको भी टाइट कर रहे हैं और ज्यादा मजीद। अच्छा ये तार साथ ही जाएगी इसके पाइप के, ये ऊपर टैंकी में जाएगा पाइप? अच्छा ये टैंकी में जाएगा पाइप। अच्छा ये ठीक हो गया जी। और जो पंप था नीचे चले गया, अब पंप इसके अंदर चले गया जी, जा रहे इसके अंदर जा रहा है जी पंप। ये देखें आप, पाइप के साथ ऐसे इंस्टॉल करते रहेंगे इसको तार के साथ साथ। अच्छा ये पंप जमीन के अंदर जाके चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जी, जो बंदे नहीं है ना उनको इन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ बना के शेयर कर रहे हैं जी। ये पंप जो है वो नीचे जाएगा जी ऐसे। नहीं, एक पाइप पूरा नीचे जा चुका है सारा। अच्छा ये पहले पैमाइश कर ली थी आपने कि कितना? देख रहे हो जी? हाँ जी, मिलाप हो गया पाइपा का। हाँ जी, कल नु खोलने पैण खोल भी सकते हैं। हाँ जी, ते जोड़ भी नहीं लीक होगा। ठीक हो गया जी, लगे पंप दे उत्ते पानी नहीं जाऊगा। ठीक हो गया। अच्छा मैं उदों दा ही सोचना सी बाहर लगना पंप, लेकिन मैनू की पता सी कि अंदर चल जाना वा, जमीन दे अंदर चल गया जी पंप। ये और ये तकरीबन 52 फुट नीचे होगा। हाँ जी, 53 फुट। 53 फुट नीचे है जी पाइप जमीन से। आपका दिल जो है ना वो सबसे पहले आपने घबराना लई है। ये देखिए जी, अभी ये पाइप ये भी नीचे चले गया, उसके बाद ये वाला पाइप एक, वो दो पाइप ओवर ले पड़े हुए हैं, ये भी ऐसे अंदर जाएंगे जी। अभी आपको वो भी दिखाते हैं जी जरा। ये आखिरी पाइप है जी, एक इसके बाद और छोटा वो। अच्छा चलो आखिरी है जी। जी कौन सा पाइप नजर आ रहा था लास्ट वाला, वो भी इसके अंदर चले गया जी। अब ये पानी अब पंप की तरफ जा रहा है जी, ये जी पंप की तरफ जा रहा है जी पानी। ये देखो ये कम नहीं कट नहीं मारी है। हां जी, सुकाना चले तो ठीक। ये इसके ऊपर क्या लगा रही है अभी? इन जो गाने पर लगाया पानी के लिए। पानी के लिए ठीक है। अच्छा यार मैं उदों का यही सोच रहा कि यह तार कितने जाऊगी, ये ऊपर जाऊगी छत वाले, लेकिन मैंने ये नहीं पता कि नाल ही अंदर जाएगी पंप के नीचे। पंप के नीचे तार चलेगी जी सारी, ये इसके साथ अभी ये कन्वर्टर लगेगा और ये ऐसी इसके ऊपर आ जाएगा। पंप जमीन थले, ये भी टेंशन मोगी, लाल पंप जंगला लगाओ तो ये करो वो करो, वो भी टेंशन खत्म जी है, क्योंकि खोल के रह जाएगा इस तरह ही नहीं, बिल्कुल वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पंप है ही जमीन के अंदर है जब बोर के अंदर है। ठीक हो गया जी।
अटैच हो जाना। ये पाइप जैसा, ये पाइप पूरे घर में जा रही सप्लाई पानी की। हाँ जी हाँ ठीक होगा जी। ये जो सा पाइप है ना, ये पूरे घर में सप्लाई जा रही है पानी की। टैंकी में भी यही पाइप जाएगा, ठीक है। पर वो इस पंप वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਚ ਲਾਈਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਂਕੀ ਮੇ ਜਾਏ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਂਕੀ। ਹਾਂ ਘਰ ਮੇ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਟੀ ਮੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਮ ਆਪ ਮੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਂਕੀ ਮੇ ਜਾਏ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬ੍ਰੇਕਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ये जी अभी पानी के एक और जग मंगाया था, वो भी इसके अंदर पानी जा रहा सारा। बस बहुत है भाई साहब, पैरों में कोई नहीं। ये मरे भाई साहब है नी, भाई साहब इंजीनियरिंग वाला काम हैगा ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਐਵੇਂ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੇਖੇ। ये वही तार जो लाल पंप को जा रही थी बिजली? जी जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये वही तारे हैं जी जो लाल पंप के साथ पहले कनेक्ट थी, अब इसको इसके साथ कन्वर्टर के साथ अटैच कर दिया है जी। ऐसी है जी। हाँ जी। इसकी प्रोडक्शन के लिए ये पंप का जो सा जंगला यही काम आएगा? हाँ जी सही हो गया जी। ये जंगला लगा हुआ था पहले यहाँ पे, अब पंप इसमें से निकाल लिया है। लगे थे, टेंशन नहीं है। नहीं इसमें कहते पानी अगर डल गया तो काम खराब होगा। बहुत फिर ऊपरों एंड कैप भी लग जावे तेरे ऊपर कवर हो जाएगा। लें जी ये पाइप सप्लाई भी लगा दी है, इंस्टॉल भी हो गया, सारा कुछ लग भी गया है। ये सिर्फ अभी ना चला के देखने लगे, चला के देखने लगे जी। अभी इधर पानी का कनेक्शन इधर को आएगा, अभी चला के देखने लगे। आपको दिखाते हैं जी कैसे पानी इसमें से, कितनी स्पीड से पानी निकलेगा इसमें से। चल पे चल पे जी चल पे। ये देखें जी ये इसमें तो प्रेशर आपको भी चेक करवाते हैं जी। वो गया पानी उस घास के ऊपर गया पानी, अभी अभी आपको चेक करवाते हैं जी प्रेशर। ऐसे भी हो जाता होता है जी, अभी फिलहाल बंद करेंगे, देखेंगे क्या मसला हुआ था। चक मार जाता था सुखा चले। अच्छा फिलहाल पानी होर पावे, महल एक जग होर पेगा बेचे हले पता नहीं, बाकी नहीं तो पता जी ज्यादा। मैं अंदाजे ला रहे हैं फिलहाल कड़ा इतने जी, मेन तो यही बंदे हैं जी, यही जो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसकी डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो मैं पहले दिन आया था, अभी आपके साथ ये इसमें सामान क्या क्या लगता है, टूटियाँ कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं वगैरह वगैरह, अच्छे तरीके से आपके साथ टोटल डिटेल शेयर करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फिलहाल तो ये जी फिलहाल इतना ही है जी जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया था, ये 10:30 बजे आए थे यहाँ पर, मैं आया हूँ तकरीबन 12 बजे, तो 12 बजे के बाद का ये आपको सारा नज़ारा आपको दिखा दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। वाल घर का वाल जो बोल रहे पानी डालने के लिए ना उन्होंने ये वाल ऑन किया होगा, और ये सारा पानी उसका टैंकी का ना वो इसलिए आ रहा है। अब वाल दोबारा बंद करेंगे फिर रुक जाएगा। ये भी चलाने लगे हैं, चला दिया जी।
चला दिया दोबारा चलाया लेकिन पानी अभी आया नहीं है इसमें से। ये भी अभी दोबारा चेक करके इसे निकाला बाहर, ठीक है। तो ये ना अभी जो से इसकी कसाई थोड़ी रहती थी करने वाली, वो अभी किया दोबारा, भूल गए थे जी। तो अभी ये दोबारा कसा है, हवा जा रही थी अंदर, इस वजह से पानी नहीं आ रहा बाहर, हवा क्रॉस हो रही थी इस वजह से पानी नहीं आ रहा। इसमें पानी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वैक्यूम का। तो अभी कस दिया इसको, दोबारा डालेंगे जी बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देखें ये सारा पाइप जो था ना सारा इसके अंदर था, ये वाला, ये वहां तक वो उस पाइप में से पानी अभी भाई ये सारा पाइप ना अंदर जाएगा। ये देखें ये सारा पाइप भी दोबारा अंदर जाएगा जी। ये दोबारा आपको दिखा दिया सारा, ये देखो ये दोबारा डाल दिए था, दोबारा ये स्टार्ट करने आ रहे। अच्छा थोड़ा आयल होता है, रोक गया फिर। पंप को बाहर निकाला एक मरतबा, पानी ना थोड़ा सा आया फिर रुक गया। की होया सी मसला सर? बोर दे नीचे कचरा सीगा ते चेक वाल दे विच कचरा फसया, देखो कचरा, ये देखें जी कचरा इसके अंदर, मसला आंदा ते ए वजह तो मसला कटना पै गया सर। ए आंदा क्यों मसला जी है? ए थल्ले कोई स्केल स्कूल आ जी जरा दरख्तां दरख्तां दी। अच्छा बोर होया सागर नहीं, बोर दे विच बोर होया वा सागर नहीं लगी। अच्छा तां ओदा करके कचरा आ गया। कोई नहीं, हां जी ठीक हो गया। 40000 बारे में कट, ए तो हल्की है हुन, ए दी सफाई करके फिल्टर बना देंगे, फिल्टर बना के दोबारा लगाएंगे, ठीक हो गया जी। लो जी ओके ओके।